केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ परिसर में आज ग्रुप केंद्र की आवासीय एवं जवान बैरिक परियोजना का शुभारंभ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन किया। सीआरपीएफ द्वारा प्रशिक्षित जवानों और कार्यरत स्टाफ के लिए 360 नए क्वार्टर बनाए गए हैं। इनका काम करीब 2 साल से चल रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों का स्विमिंग पूल के साथ ही एक छोटा स्विमिंग पूल बच्चों के लिए भी बनाया गया है, जिसका लोकार्पण आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से किया। पूर्व में 2011 में सीआरपीएफ कैंपस में 501 क्वार्टर बने थे। इसके बाद से ही नए क्वार्टर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इसके चलते 360 क्वार्टर निर्माण का प्रोजेक्ट बना। इसकी आधारशिला 15 फरवरी 2017 को तत्कालीन महानिदेशक के दुर्गा प्रसाद ने रखी थी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल के लिए भी शिलान्यास हुआ था। 58 करोड़ रुपए की लागत वाला प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। ये नीमच के लिए तो प्रसन्नता का विषय है ही, मगर चूंकि नीमच सीआरपीएफ की जन्मस्थली के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध रहा है, हमारी अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को बढ़ाने का कारण तो रहा, मगर नीमच का सीआरपीएफ से जुड़ाव होना और देश भर में सीआरपीएफ के जब जब भी प्रसंग आए देश की रक्षा के, तो सीआरपीएफ भी प्रथम कदम पर, प्रथम पायदान पर हमें मिला है। आज जब सुविधाओं का प्रश्न आकर खड़ा होता है, तब मन को अच्छा लग रहा है कि नीमच नई सज्जित सुविधाओं से लेस होकर आया है। हम यहाँ बैठे हैं महिला बैरक में, जिसमें ये 3 माला बैरक है, जिसमें एक बैरक पर 20 महिला सैनिक विश्राम कर पाएगी। और ये जो सुविधाएं, जिनकी बहुत लंबे समय से आवश्यकताएं थी, आज पुरुषों के लिए बैरक है, तो जो परिवार स्थायी रूप से सीआरपीएफ के सैनिक रहते हैं, उनके लिए भी 360 आवास की व्यवस्थाएं की गई है। आधिकारिक स्तर के आवासों की भी व्यवस्था की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल और वह यहाँ निर्मित हुआ है, एक बड़ा विशाल ऑडिटोरियम यहाँ निर्मित हुआ है। हम लोगों को वर्ष 2016 में ईपीसी मोड में हम लोगों को 360 क्वार्टर्स बनाने के लिए मिला मौका, जिसको सीपीडब्ल्यूडी ने अंजाम दिया है। आप देखेंगे कि 300 क्वार्टर्स टाइप 2 हैं, इसमें से 30 क्वार्टर टाइप 3 के हैं और 19 क्वार्टर टाइप 4 के हैं और बाकी 11 बच जाते हैं, वो टाइप 5 क्वार्टर्स हैं। यानी कि जो निचले रैंक के भी जो हमारे पास में कर्मचारी हैं, उनसे लेकर के हाईएस्ट ऑफिसर्स जो भी हैं, जो यहाँ पोस्ट हो सकते हैं, उन तक के लिए हम लोगों के यहाँ पर क्वार्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें सहूलियतें, सारी सहूलियतें जिसको आप सोच सकते हैं, सेपरेट किचन, सेपरेट बाथरूम और टॉप क्लास की फिटिंग्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ हम लोगों की देखरेख में बनाया गया है। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बना है। आप इस महिला बैरक को भी आप देख सकते हैं, यहाँ के भी जो फिनिशिंग क्वालिटी है बहुत अच्छी बनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को जो मौका मिला यहाँ पर क्वार्टर्स और बैरक्स बनवा लेने का, बहुत अच्छी क्वालिटी का बना है, इससे हमारे जवानों को बहुत ही सहूलियतें मिली।